सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका कार्ले है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। सितंबर 2023 से मैं प्रवीण सर से जुड़ी हूँ। पहले तो मैं उनके यूट्यूब पर सारे वीडियोस देखती थी, युग परिवर्तन जो चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर मैं सारे वीडियोस देखती थी। फिर पहले तो हैरानी हुई थी वीडियो देखकर कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे हमारे बिलीफ सिस्टम थे आज तक, वो सबको हिला कर रख देने वाला जो नॉलेज था वो वहाँ पर शेयर किया गया था। तो फिर मैं वो धीरे धीरे वो सुनती गई। फिर उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो गई प्रवीण सर के, और फेब्रुवरी में प्रवीण सर और रिज्यूमी मैम ने हैदराबाद कॉस्मिक वैली में रिट्रीट का आयोजन किया था। तो मैंने उस रिट्रीट में भाग लिया था, मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ के जो 5 दिन हैं वो मेरी आज तक की ज़िंदगी में सबसे यादगार वो दिन है। वो 5 दिन वो मैं कभी भूल नहीं सकती, इतना सुंदर अनुभव था वहाँ का। तो रिट्रीट में 4 दिन में तो प्रवीण सर ने और रिज्यूमे मैम ने हमें अलग अलग तकनीकें सिखाई कि हम हमारी जो रियलिटी है वो कैसे बदल सकते हैं। आज तक जो हम जीवन जीते आए थे तो हमारे जीवन में क्या था, सिर्फ आनंद ही आनंद तो नहीं था ना, या फिर अबंडेंस तो नहीं था। तो ये ऑलरेडी हमारे जीवन में है। हम अनकॉन्शियसली अब तक जो था वो दुख दर्द और सारे जो हमारे अनुभव है, मतलब कभी खुशी या कभी गम, ऐसे अनुभव थे वो क्रिएट करते आ रहे थे अनकॉन्शियसली। और अब कॉन्शियसली हम खुद अपनी रियलिटी कैसे बदल सकते हैं, हमारा जो जीवन है वो हम अधिक बेहतर सुंदर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने वहाँ पर हमें सिखाया। तो जो हमारी रियलिटी है, जैसे दुख है जीवन में तो उसे सुख में हम कैसे बदलना है। सारे लोग जो है हम अलग अलग अनुभव करते हैं, लोग हमें अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो सब हमें, हम सबके साथ प्यार से रहे, सबके साथ एक आदर का, विश्वास का और एक अच्छा प्रेम भरा संबंध सबके साथ कैसा हो, तो इसके बारे में उन्होंने सिखाया। फिर हमारी चेतना जो है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में वहाँ पर हमें सिखाया उन्होंने। तो पहले ही वैसे उनके वीडियो देख के जो भी नॉलेज आ रहा था अंदर, उससे चेतना का विस्तार हो ही रहा था, लेकिन जब रिट्रीट ज्वाइन किया तो वो इतना एक्सपोनेंशियल वो उसकी गति हो गई कि मैं दंग रह गई कि फेब्रुवरी से लेके अभी तक, तो इन 2-3 महीनों में जो मैं अपने आप में बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ वो देखकर मैं हैरान हूँ, और उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है, इसे बयां नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर जो बदलाव हुआ है, बहुत ही अच्छा। और मैं और भी बताना कुछ चाहती हूँ कि हमें बस अभी जो पुरानी मान्यताएं हैं हमारी, उनमें आज तक हमें किसी ने बताया नहीं था, जो अभी प्रवीण सर जो सत्य का, जो सच का नॉलेज हमें दे रहे हैं वो अभी तक किसी ने हमें बताया नहीं था। जो असेंडेंट मास्टर्स थे, गुरु थे, उन्होंने ये बताया था लेकिन अलग तरीके से बताया था। जैसे हमें अभी आसानी से जो प्रवीण सर समझा रहे हैं, जिस वे में समझा रहे हैं, वैसा आज तक किसी ने बताया नहीं था। और भारत में तो मैंने, मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये सच का जो ज्ञान है ये दिया है, और ये ज्ञान देने के लिए और ये जो ज्ञान मिला है उसे लेकर अपने जीवन में हमें बदलाव करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। वो धैर्य भी मिलता है, सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमें देखना चाहिए। अबंडेंस है हमारे अंदर, क्या कुछ नहीं है, अबंडेंस है, बहुत सारी दिव्यताएं है। हमारी ज़िंदगी जो है वो जैसे हम चाहे वैसे हम बना सकते हैं, इतनी पावर हम खुद में है। हम ह्यूमंस जो है बहुत दिव्य है, शक्तिशाली है। और अभी हम जैसे प्रवीण सर बता रहे हैं कि युग परिवर्तन की बिल्कुल आखिरी जो सीढ़ी है वहाँ पर हम खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं युग परिवर्तन के। बस हमें अपने आप में चेंजेस, थोड़े चेतना में जो है, चेतना हमें अपनी ऊपर उठानी है, सही समझदारी से हमें आगे चलना है। तो
तो यही सब रिट्रीट में भी सिखाया जाता है। रिट्रीट बहुत लोग सारे पूछते हैं, जैसे प्रवीण सर भी बोलते हैं कि रिट्रीट में लोग पूछते हैं कि क्या होता है, तो ये ऐसे बताने वाली चीज़ नहीं है या बता नहीं सकते कि क्या वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर जो मिलता है ना, वो कल्पना से परे है। हमने कभी ना सोचा था, ना कभी हमारी सोच की पहुँच वहाँ तक थी, इतना सब कुछ रिट्रीट में से मिला है। और रिट्रीट में जाने जाकर आने के बाद मेरे अंदर मैं जो कुछ महसूस कर रही हूँ, जो बदलाव अपनी चेतना में महसूस कर रही हूँ, वो ट्रेमेंडियस है। मतलब खुद अभी तक विश्वास नहीं होता कि अरे हमारी मेरी लाइफ जो पहले कैसी थी और अब कैसी है। एक समझदारी विकसित हो गई है, अवेयरनेस आ गई है कि क्या है एक्चुअली, ये मैट्रिक्स क्या है, हमें कैसे इससे पार निकलना है, अपनी चेतना कैसे बढ़ानी है। जो सारी दुनिया मोह माया जो पहले के साधु संत कहते थे, तो वो मोह माया एक्चुअल क्या है, ये अभी हमें समझ में आने लगा है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रवीण सर और इजुमी मैम की वजह से। तो अभी नेक्स्ट रिट्रीट भी होने वाला है, उसमें भी मैं जाने वाली हूँ। और ऐसे हुआ कि मैं जैसे सर से जुड़ गई और मैं रिट्रीट में गई, फिर मैं एक बार सर से जुड़ गई तो मैंने वापस और कहीं भी नहीं देखा है। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रवीण सर इजुमी मैम को ही फॉलो करती हूँ, मैं और किसी को फॉलो नहीं करती। फिर घर वाले तो पहले मेरे फैमिली वाले थे, वो तो इनको पहले से थोड़ा पता था, मैंने बताया हुआ था ऐसा ऐसा है, लेकिन हर किसी को हर कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन प्रवीण सर ने कहा था कि पहले आप जाग जाइए, जब आप जाग जाएंगे तो आपके घर वाले भी जाग जाएंगे। तो वैसे ही हुआ है कि मैं खुद को जगा पाई हूँ। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, घर वाले भी एक 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 हस्बैंड है, फिर बच्चे हैं, फिर माताजी है, सब वो भी जाग गए हैं और सब अभी वो भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। तो इतना सब कुछ बदलाव अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में देखकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और इसके लिए मैं प्रवीण सर और इजुमी मैम को अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।